करने कर रहे हैं बस पहुंच गए। क्या वीडियो बनने लगी है चलो जी भैया, यहाँ तक हमारी बैंड सा मिल पहुँच चुकी है और आपने इसका कुछ काम आपने देखा। अभी हम तकरीबन हम कलर के करीब हैं, कुछ छोटे मोटे काम रहते हैं और ये मैं आपको करीब से दिखा रहा हूँ। तो ये देखें हमने किस तरह इसकी सेटिंग की है, जो सेफ गार्ड हमने लगाया है इसके आगे, और ये एक लंबा चूड़ी वाला राड लगा हुआ है जिसमें बैरिंग भी लगा हुआ है और साथ ही उसके एंड पे हमने वो पट्टी भी लगा दी है, ये जो पट्टी आपने अभी देखिए मुझे लगाते हुए। उसके बाद ये जो सेफ गार्ड है तो ये सारा आपने देख लिया और ये इंशाल्लाह इतना मज़बूत हमने सेफ गार्ड लगाया, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें इस पर, ये देखें, और बिल्कुल ज़रा आपको इस पर जो है वो लचक नज़र नहीं आएगी। सेफ गार्ड में जो चादर हमने यूज़ की है वो 4 mm की चादर है, 4 mm मोटी चादर है, ये देखें। और ये हमारा दूसरा ब्लेड गाइड है, ये फिक्स ब्लेड गाइड है, इसका राड अभी लंबा है, मैं इसको अब काट दूंगा, जितना हमें चाहिए उसको छोड़ के मैं बाकी इसको काट दूंगा। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, ये जो व्हील है, ये वाला जो व्हील है इसमें हमने डिग्री लगाई है और आगे जो नट लगा हुआ है वो उल्टी चूड़ी हमने लगाई है इस पर। और इसी तरह जो पीछे आपको ये पुल्ली नज़र आ रही है तो ये पुल्ली भी हमने डिग्री करके लगाई है और इसमें भी जो नट हमने लगाया है
तो वो उल्टी चूड़ी करके हमने इसको लगाया है ताकि ये जितना भी इस पे लोड पड़ेगा इतना ये ज़्यादा टाइट होगा। इंजन को हमने देखें, ये नीचे नट लगे हुए आपको नज़र आ रहे हैं, इनमें हमने चाल भी रखी है ताकि आप इंजन की लाइन को अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकें। अगर उसमें कुछ फ़र्क आ जाता है तो आप उसको सेट भी कर सकते हैं। साथ में आपको एक और बात बताऊं कि ये जो इंजन की जो पुली लगाई है तो वो सिल्वर की हमने पुली लगाई है। देगचून की बाज़ार में आमतौर पर मिलती हैं, लेकिन देगचून बहुत भारी होता है जिसकी वजह से इंजन के जो अगले बैरिंग होते हैं उस पर लोड पड़ता है, तो इस वजह से मैंने सिल्वर की पुली लगाई है। सिल्वर ख़ुद ला के, सिल्वर की एक लंबी बार ला के तो ख़ुद खराद करके तो यहाँ पे हमने बनाई है, और ये बड़ी ज़बरदस्त लगी है। अभी आप देख सकते हैं इसको, तो ये देखें, ये इस तरह की बार मैंने ली है 100 मिलीमीटर मोटी बार, और ये लेके तो मैंने पुली जो है वो ख़ुद इसमें तैयार की है। बाकी अभी इसमें सिर्फ हमारा 1 इंची टेप मैंने लगा दिया है, ये देखें जो गोल इंची टेप है, तो इस पर हम पेपर लगाएंगे और पेपर लगा के उसके ऊपर डिजिट वो हम इस पर लिख देंगे। अभी इसमें वो पेपर नहीं लगाया, सुई आपको नज़र आ रही है, और उसके बाद ये हमारा जो इंजन है, इंजन का बेल्ट टाइट करने का जो सिस्टम है गियर, ये भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये वियर यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, इंशाल्लाह इसको 1-2 दिन में हम कलर करेंगे, और कलर करके फिर हम आपको दिखाएंगे। एक चीज़ साथ में आपको और बता दूं कि ये देखें, ये जो अप डाउन का जो लिफ्टिंग सिस्टम है, हेड का लिफ्टिंग सिस्टम, इसके अंदर जितनी भी ग्रारियाँ लगी हुई हैं, तो चैन और ग्रारियाँ लगी हुई हैं, उसके बाहर हमने एक टापा लगा दिया है ताकि किसी गलती की वजह से हाथ उन ग्रारियों में ना लगे और बूरा वगैरह भी उन ग्रारियों में और चैन में ना पड़े, तो ये टापा भी हमने इस दफ़ा लगाया है। तो ये है हमारी हैवी ड्यूटी बैंडसा 24 इंच व्हील 36 इंच स्पेस।